तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों को मेरे चैनल द रॉक हिल्स पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो BS6 बाइक है उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ रॉयल एनफील्ड की शोरूम पे, और ये शोरूम का नाम स्वास्तिक ऑटोमोबाइल्स है और इसकी लोकेशन बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट असम में है। तो चलिए दोस्तों, अभी शोरूम के अंदर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आप लोगों के सामने ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6, और ये क्रोम ड्यूएल चैनल वाली वेरिएंट है। साथ ही साथ इस बाइक में आप लोगों को और भी 5 वेरिएंट्स की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। इसकी अगर कलर के बारे में बात करते हैं तो इसकी कलर है क्रोम रेड। साथ ही साथ दोस्तों, इसमें आप लोगों को और भी 14 डिफरेंट कलर की ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस बाइक के अगर डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं तो इसकी लेंथ है 2145 mm विथ 785 mm और हाइट 1090 mm की है। साथ ही साथ इसकी सैडल हाइट 805 mm की है। दोस्तों, इस बाइक की अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट क्रूजर बाइक है ये। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों को मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो BS4 वाली मॉडल थी वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स को काफी सारे वाइब्रेशन की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी, लेकिन ये वाली मॉडल में आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने काफी सारे फ्यूचर्स अपग्रेड किया है। साथ ही साथ दोस्तों, इस बाइक की कलर दिखने में आप लोगों को कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले इसकी फ्रंट प्रोफाइल दिखा देते हैं। दोस्तों, इस बाइक के अगर फ्रंट और रियर दोनों साइड की इंडिकेटर लाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को बल्ब लाइट दिखने को मिल जाएगी। इसकी अगर हेडलाइट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को हेलोजन हेडलैम्प के साथ क्रोम फिनिशिंग कैप दिखने को मिल जाएगी। दिखने में काफी अच्छी लुक्स आ रही है। ये रहा दोस्तों फ्रंट प्रोफाइल की मडगार्ड विथ क्रोम एंड रेड फिनिशिंग, दिखने में काफी अच्छी लुक्स आ रही है। यहाँ पर दोस्तों मीटर कंसोल के सामने दो दो H4 हाफ लाइट भी दिखने को मिल जाएगी। अभी इसकी फ्रंट साइड की सस्पेंशन दिखा देते हैं। ये रहा दोस्तों इसकी फ्रंट साइड की सस्पेंशन विथ 41 mm की फ्रॉक्स, और दोस्तों ये सस्पेंशन काफी हैवी है। ये है रिफ्लेक्टर, दोनों साइड में ही लगाया गया है। यहाँ पर मडगट की सपोर्ट भी लगाया गया है। दोस्तों, इस बाइक की फ्रंट और रियर दोनों साइड में आप लोगों को ड्यूएल चैनल के साथ ABS यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिखने को मिल जाएगी। और दोस्तों, इस बाइक के अगर व्हील बेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 1390 mm की व्हील बेस दिखने को मिल जाएगी विथ स्पोक्स। दोस्तों, अगर आप चाहें तो यहाँ पर एलो व्हील भी लगा सकते हैं आराम से। साथ ही साथ दोस्तों, इस बाइक के अगर फ्रंट साइड की टायर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 100x19 साइज की ट्यूबलेस टायर दिखने को मिल जाएगी। ये देखिए दोस्तों, सीएट कंपनी की टायर है। यहाँ पर आप लोगों को कंपनी की तरफ से एक हॉर्न के साथ क्रोम फिनिशिंग सेफगार्ड भी दिखने को मिल जाएगी। दोस्तों, एक बार आप इसकी टैंक में गौर कीजिए, इसकी टैंक में रेड एंड क्रोम फिनिशिंग दिखने में काफी अच्छी लुक्स आ रही है। और दोस्तों, इसकी टैंक कॉल में रॉयल एनफील्ड की लोगो भी लगाया गया है, दिखने में काफी गॉर्जियस लुक्स आ रही है। साथ ही साथ टैंक की राइट साइड में आप लोगों को एक ब्लैक फिनिशिंग पैड भी दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, इंजन के सामने ब्लैक फिनिशिंग डिजाइनिंग दिखने में काफी अच्छी लुक्स आ रही है। आइए दोस्तों, इसके भी इंजन दिखा देते हैं। दोस्तों, इस बाइक के अगर इंजन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगल सिलेंडर के साथ 2-valve 4-stroke एयर एंड ऑयल कूल्ड BS6 इंजन दिखने को मिल जाएगी, जो काफी हैवी इंजन है। साथ ही साथ इसकी इंजन डिस्प्लेसमेंट है 349.34 cc। दोस्तों, इसकी इंजन की मैक्सिमम पावर है 20.21 PS विथ 6100 rpm की, और इसकी मैक्सिमम टॉर्क है 27 Nm विथ 4000 rpm की। दोस्तों, इस बाइक के अगर गियर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 5-speed के साथ मैनुअल गियर बॉक्स दिखने को मिल जाएगी, और गियर के नीचे फोल्डेबल फुटरेस्ट भी दिखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इस बाइक के अगर स्टैंड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को क्रोम फिनिशिंग के साथ इंजन कट ऑफ स्टैंड दिखने को मिल जाएगी, और ये काफी अच्छी फ्यूचर है। और नीचे आप लोगों को डबल स्टैंड भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को फ्रेम में क्रोम फिनिशिंग डिजाइन दिखने को मिल जाएगी। ये रहा 12 वोल्ट की बैटरी लॉक्स विद क्लासिक 350 की बेजिंग, दिखने में काफी अच्छी लुक्स आ रही है। ये है लेडी फुटरेस्ट, और ये है रियर साइड की फुटरेस्ट। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एक छोटा सा चेन गार्ड भी दिखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को एक सारी गार्ड भी दिखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसकी अगर रियर सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ट्विन ट्यूब एमुलसन सस्पेंशन दिखने को मिल जाएगी, जो काफी अच्छी है। यहाँ पर आप लोगों को सीट के नीचे एक कैरिंग हुक भी दिखने को मिल जाएगी। आइए दोस्तों, इसके अभी रियर साइड की लाइट दिखा देते हैं।
इसकी रियर में आप लोगों को टेल लाइट और इंडिकेटर लाइट दोनों बल्ब में मिल जाएगी। और दोस्तों इसकी टेल लाइट की राउंड शेप में क्रोम फिनिशिंग डिजाइन दिखने में काफ़ी अच्छी लुक्स आ रही है। दोस्तों इस बाइक की अगर रियर साइड के टायर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 120x80 18 साइज़ की ट्यूबलेस टायर दिखने को मिल जाएगी और इसकी टायर दिखने में काफ़ी मोटा भी है। दोस्तों इस बाइक की अगर रियर साइड की ब्रेक के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को सेम ड्यूल चैनल ABS डिस्क ब्रेक दिखने को मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छी है और दोस्तों इसकी ब्रेक भी काफ़ी स्मूथ है। दोस्तों इस बाइक की अगर वारंटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ईयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी देखने को मिल जाएगी अप टू 50,000 किलोमीटर। दोस्तों इस बाइक की राइट साइड में आप लोगों को एक बहुत ही बड़े साइज की क्रोम फिनिशिंग साइलेंसर देखने को मिल जाएगी विथ फुट रेस्ट। यहाँ पर आप लोगों को रियर साइड की ब्रेक देखने को मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों इसके भी सीट दिखा देते हैं। ये रहा दोस्तों इसकी लेदर फिनिशिंग सीट, दिखने में काफ़ी अच्छी लुक्स आ रही है। और दोस्तों इसकी सीटिंग कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 2 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसकी सीट काफ़ी सॉफ्ट एंड कम्फर्टेबल टाइप की है। यहाँ पर आप लोगों को एक ग्रैब हैंडल दिखने को मिल जाएगी। आइए इसके भी टैंक दिखा देते हैं। दोस्तों ये रहा इसकी फ्यूल टैंक, दिखने में काफ़ी बड़ा है। और साथ ही साथ इसकी अगर कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप टू 13 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिखने को मिल जाएगी। इसकी टैंक के ऊपर क्रोम फिनिशिंग कैप भी लगाया गया है विथ लॉक्स, दिखने में काफ़ी अच्छी लुक्स आ रही है। दोस्तों इसकी हैंडल में आप लोगों को 2 मिरर दिखने को मिल जाएगी। ये रहा दोस्तों इलेक्ट्रिक स्टार्ट की सेल्फ स्विच और इसके नीचे आप लोगों को हैजर्ड लाइट की स्विच भी दिखने को मिल जाएगी। इसके अगर एक्सेलेरेटर के बारे में बात करते हैं तो ये काफ़ी स्मूथ एक्सेलेरेटर है। यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट ब्रेक की हाइड्रोलिक बॉकेट दिखने को मिल जाएगी। दोस्तों इस बाइक की अगर माइलेज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को अप टू 41.55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दिखने को मिल जाएगी जो काफ़ी अच्छी माइलेज है। यहाँ पर आप लोगों को हैंडल की लेफ्ट साइड में हेडलाइट की लो बीम और हाई बीम की स्विच दिखने को मिल जाएगी, साथ में पासिंग स्विच भी है। ये रहा इंडिकेटर की स्विच और इसके नीचे आप लोगों को हॉर्न के साथ USB की पोर्ट भी दिखने को मिल जाएगी। तो आइए इसकी अभी मीटर कंसोल दिखा देते हैं। दोस्तों इस बाइक के अगर मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर एनालॉग में दिखने को मिल जाएगी और साथ में इसकी ओडोमीटर डिजिटल में दिखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी मीटर को रॉयल एनफील्ड कंपनी ने पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी तरीके से अपग्रेड किया है और ये फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। दोस्तों इस बाइक के अगर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो इसकी EX शोरूम प्राइस है अप्रोक्स 2,22,000 इन दिल्ली और इसकी ऑन रोड प्राइस है 2,55,000 इन दिल्ली। इस बाइक को अगर आप कोई दूसरा स्टेट में लेना चाहते हैं तो इसकी प्राइस थोड़ा अप एंड डाउन भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो देखकर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे ऐसी टाइप की और भी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।